कौशल किशोर जी, ये जो सूची आई है, किस मंथन के बाद ये सूची बीजेपी ने जारी की है और क्या संदेश आप इसके जरिए दे रहे हैं? पार्लियामेंट बोर्ड ने जारी की जो सूची है उसका स्वागत है और पार्टी मंथन के बाद जारी किया है, हम उसका स्वागत करते हैं जी। आपके साले को भी इस लिस्ट में नाम मिला है, उन्हें भी टिकट मिल चुका है। एक तरफ तो आप समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं और फिर आप ही के परिवार के सदस्य को भी प्रत्याशी बना दिया जाता है। नहीं, वो गलत इंटरप्रेट है, वो मेरे साले नहीं है, वो गलत प्रचार किया जा रहा है। अब कोई किसी के गाँव में रिश्तेदारी हो और वो रिश्तेदारी के नाते कोई रिश्ता जुड़े हो तो इसका मतलब वो थोड़ी हो गया कि उसके रिश्तेदार हो गए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। वीरेश जी हमारे ब्यूरो चीफ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेश जी आप सुन रहे हैं? नहीं है, मेरी पत्नी के भाई नहीं है, मेरे छोटे भाई की भी पत्नी के भाई नहीं है। ठीक है, वीरेश जी आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ है कौशल। चलिए कौशल किशोर जी, एक सवाल तो बनता है कि आपके साले नहीं हैं, लेकिन आपने अपनी पत्नी को दबाव बनाकर पिछली बार भी टिकट दिला दिया, इस बार भी टिकट दिला दिया और अपने बेटे के लिए भी आप पार्टी पर दबाव बना रहे थे, लेकिन एक टिकट में आप सफल रहे। पार्टी के कार्यकर्ताओं की डिमांड पर उनको टिकट मिला और वो एमएलए हैं इसलिए उनको टिकट मिला, वो गलत बात है। दबाव किस बात का? वर्क करते हैं तो आप अपने बेटे के लिए दबाव नहीं बना रहे थे? कोई दबाव नहीं बनाता मैं, कोई दबाव नहीं किसी। आप अपने बेटे के लिए दबाव नहीं बना रहे थे कि टिकट मिले? किसके लिए? बेटे के लिए नहीं। चलिए ठीक है, आप अगर कह रहे हैं कि कोई दबाव नहीं बना रहे थे, आप केंद्रीय मंत्री हैं, आप काम करते हैं, आप जमीन से जुड़े हुए हैं, पार्टी के लोग डिमांड कर रहे हैं, जनता डिमांड कर रही है, तो वो कार्यकर्ता की हैसियत से काम टिकट मांग रहा था और वहां के पार्टी के लोग टिकट मांग रहे थे। तो ऐसे में वो कर्मठ कार्यकर्ता जिसको टिकट नहीं मिला है, वो आपका बेटा है, तो ऐसे में उसको टिकट नहीं मिला है तो आपको दुख है? कोई दुख नहीं, पार्टी ने जो फैसला किया वही ठीक है। चलिए ठीक है, तो यानी कर्मठ कार्यकर्ता और जनता की मांग को ठुकराया है भारतीय जनता पार्टी ने, ये कहना चाह रहे हैं आप? क्या चीज? आपने कहा ना कि जनता की बेहद मांग थी, वो कर्मठ कार्यकर्ता था इस लिहाज से वो टिकट मांग रहा था। आप गलत सवाल मत करिए, गलत सवाल का जवाब नहीं दे। ठीक है कौशल किशोर जी, आपने जो टिकट बटा है मोहनलालगंज सीट का और साथ ही साथ लखनऊ सीट का, इसको विजिबिलिटी जीत के हिसाब से कैसे देखते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीतेंगे? सब टोटल सीटें जीतेंगे। पिछली बार जैसा होगा रिकॉर्ड की उससे भी बेहतर होगा? हाँ बिल्कुल रिकॉर्ड होगा। पिछले बार 9-8 जीते थे, इस बार 9-9 जीते, तो पूरे अवध बिल्कुल जीतेंगे। अवध में क्या रिकॉर्ड रहेगा पार्टी का? अवध में भी ज्यादा सीटें जीत करके आएंगे पिछली बार की अपेक्षा। अच्छा एक बात आपसे पूछना है कि दलितों का जो रुख है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ कितना बड़ा है? बसपा से मोह टूटा है या अभी भी बसपा के साथ वो जुड़े हुए? SC ST के लोग हैं, गरीब लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं उनको, जो किसी भी वर्ग के लोग हैं जो उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, उनका बड़े पैमाने पर रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ा है और इसलिए वोट का ग्राफ भी बढ़ा है और निश्चित तरीके से जो है वोट का परसेंटेज भी बढ़ेगा और सीटें भी ज्यादा जीत के आएंगे। बहन मायावती जी का एक बयान भी आया था, आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा था कि सपा को नहीं जीतने देंगे, हमें भले बीजेपी को वोट करना पड़े। तो किसे उम्मीद है आपको? हाँ बहन जी से उम्मीद करते हैं कि जब जरूरत पड़ेगी तो आप उनका सहारा। बहन जी का वोटर जो है, जो उनका सपोर्टर है, वोटर है, उन्हें भी सुविधाएं मिली हैं और वो उनको सुविधाएं मिली इसलिए वो लोग भी वोट बीजेपी को करेंगे।
सपा के लोग भी तमाम जो सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं उनको भी वोट बीजेपी से बीजेपी को देंगे। ठीक है कौशल किशोर जी, आप कह रहे हैं पूरी तरह से आश्वस्त हैं इस सूची को लेकर, और साथ ही आपने ये भी खारिज कर दिया कि आपके कोई परिवार के सदस्य नहीं है इस सूची में शामिल, जिन्हें टिकट दिया गया है जो है उनका आपसे ताल्लुक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।